अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नोमाना लोधी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इन आर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस एंड टिल नाउ वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो discussed it the last time and now today I am going to practice it with some examples. In the following sentences, separate the subject and the predicate. ये जो sentences हैं इनमें आपने subject को और predicate को इनको separate करना है और बताना है कि किस के इनमें से कौन सा subject है और predicate क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन हो सकता है और जिसके बारे में कोई जो कोई बात करता है या एक्शन करता है। और उसके बाद प्रेडिकेट जो है वो भी आपको मालूम है कि वो क्या होता है। द प्रेडिकेट इज़ व्हाट इज़ सेड अबाउट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। जो स्टेटमेंट, जो बात या कोई आइडिया या इंफॉर्मेशन दी जाती है सब्जेक्ट के बारे में उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। तो दिस इज़ द सिंपल सेंटेंस एंड यू हैव टू सेपरेट। इसमें द कैकलिंग ऑफ गीस, दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड सेव्ड रोम, दिस इज द प्रेडिकेट। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक। इन दिस सेंटेंस स्टोन वॉल्स, स्टोन वॉल्स दिस इज द सब्जेक्ट एंड डू नॉट अ प्रिजन मेक, दिस इज द प्रेडिकेट। जो एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में आपको कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया या कोई स्टेटमेंट मिल रही है वो सब्जेक्ट है। और स्टोन वॉल्स जो है वो इसमें सब्जेक्ट है और क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंफॉर्मेशन उसकी प्रेडिकेट है। डू नॉट अ प्रिजन मेक। ऑल मैटर इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। इन दिस सेंटेंस ऑल मैटर इज़ सब्जेक्ट एंड इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इट इज़ द प्रेडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन सब्जेक्ट, कैन सर्व टू मास्टर्स, इट इज़ द प्रेडिकेट। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। अ सिक रूम दिस इज़ द सब्जेक्ट और शुड बी वेल एयर्ड, दिस इज़ द प्रेडिकेट। आई शॉट एन एरो इन द एयर। आई इट इज़ दी, इट्स अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको जो है आप प्रोनाउन बोलते हैं। आई इज़ सब्जेक्ट एंड शॉर्ट एन एरो इन द एयर, इट इज़ द प्रेडिकेट। अब यहाँ पे इन सेंटेंसेस में यू कैन सी के द पोजिशन और प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इज़ द इनिशियल पोजिशन, इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन सब में मोस्टली जो है यूजली इट हैपन्स के द सब्जेक्ट इधर इट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन और इट्स द नेम ऑफ सम नाउन। जो भी सब्जेक्ट होता है उसका वो हमेशा स्टार्ट में ही आता है, यूजली अमूमन ऐसा होता है। बट इन सम सेंटेंसेस इट मे कम इन द इन सम अदर पोजिशन। कुछ ऐसे सेंटेंस में होते हैं जिसमें किसी और पोजिशन में भी आ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो नेक्स्ट जो आएंगे उनमें कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, उसमें फिर आपने सबसे पहले डिटेक्ट करना है गौर से उनको पढ़ के कि उसमें कौन से किस जगह पे सब्जेक्ट जो है वो पाया जाता है, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है। अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स।
अब ये देखें कि इस सेंटेंस में आपको इनिशियल प्लेस पे या शुरू वाले जगह पे सेंटेंस में स्टार्ट में नहीं मिलेगा इसमें सब्जेक्ट, इसमें सेंटेंस में किसी और जगह पे उसकी वो मौजूद होगा। तो इसमें अब आपने डिस्कवर करना है। ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया था कि इस तरह भी आप हमेशा ये ना समझें कि इट ऑलवेज़ कम्स एट द बिगिनिंग, कि कभी और भी आ सकता है। अब यहाँ पे अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, अब इसमें जो है वो ऑर्डर सेंटेंस का डिफरेंट है। इसमें से आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें द शेफर्ड जो है वो है सब्जेक्ट, और अ बार्किंग साउंड हियर्स दिस इज़ दी अदर, दिस इज़ दी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज़ दी प्रेडिकेट। अप वेंट द बेलून, इन दिस सेंटेंस द बेलून इज़ द सब्जेक्ट एंड अप वेंट इट इज़ दी प्रेडिकेट। द नेकेड एवरी डे ही क्लैड, यहाँ पे इन दिस सेंटेंस यू कैन सी के ही जो है वो सेकेंड लास्ट पोजिशन पे है और वो है सब्जेक्ट, और द नेकेड एवरी डे क्लैड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ दी प्रेडिकेट। इन टू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, द पाइपर इज़ द सब्जेक्ट, इन टू द स्ट्रीट स्टेप दिस इज़ दी प्रेडिकेट। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी दिस दिस फ्रेज और ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दिस इज़ दी सब्जेक्ट एंड स्वीट आर दिस इज दिस पार्ट इज़ दी प्रेडिकेट। डियर जेंटल पेशेंट नोबल फेनल वॉज डेड, इन दिस सेंटेंस डियर जेंटल पेशेंट नोबल नेल वॉज डेड। अब यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में जो है इसको डिस्कवर करना इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, कि इसमें जो है डियर जेंटल पेशेंट नोबल नेल दिस इज़ दी देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन दिस सेंटेंस एंड दिस इज़ दी सब्जेक्ट एंड वॉज डेट दिस इज़ दी प्रेडिकेट। तो इससे आपने क्या जो है वो फाइंड आउट किया कि अक्सर ऐसा होता है, ऑफन यू कैन सी के सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आता है सेंटेंस में, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में वो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस के समटाइम्स राइम्स राइम्स में से अगर कोई लाइन ली गई हो तो पोएम्स में इधर उधर जो है वो रूल्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसमें आपने उनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फाइंड आउट करना। तो इस तरह इसलिए मैंने ये सेंटेंसेस दिए हैं ताकि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स वी जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वर्ड्स देयर इज इन इट व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर वर्ड, जी जब किसी एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बहुत से वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है तो उनमें कोई एक वर्ड होता है वो जो दूसरे से ज़्यादा अहम होता है। द चीफ वर्ड इन इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ड और सिंपल सब्जेक्ट, बाकी तो जो एक्शन कर रहा होता है जिसके बारे में एक्शन होता है उसको आप सब्जेक्ट ही बोलती हैं, अगर एक आए तो वो सब्जेक्ट है, और अगर एक से ज़्यादा हो देयर आर टू थ्री फोर वर्ड्स देयर इज़ द इफ़ देयर इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो उसमें से आपने ये देखना है कि वो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है वर्ड, तो उस वर्ड को आप कहेंगे सब्जेक्ट वर्ड और सिंपल सब्जेक्ट। दस इन द सेंटेंसेस द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले इज स्लीपिंग, अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें द लिटिल चाइल्ड अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो इसमें ये एक फ्रेज़ है,
यानी दो या तीन वर्ड्स को फ्रेज कहा जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो उसमें द लिटल चाइल्ड, तो ये एक नाउन फ्रेज है। इसमें से अब आपने तीनों में से देखना है कि इसमें कौन सा नाउन है, जो कौन सा वर्ड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें चाइल्ड जो है वो आप डिस्कवर कर लेंगे। द नाउन चाइल्ड इज़ द सब्जेक्ट वर्ड, इसी को सब्जेक्ट वर्ड कहेंगे या सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे, और इसके साथ ही रिलेटेड हैं द लिटल भी, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, चाइल्ड। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, द सब्जेक्ट वर्ड इज़ ऑलवेज अ नाउन और अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन एज ही ट्राइड हिज बेस्ट। इसमें सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, सॉरी इसमें नाउन कौन सा है, ही। इसमें सब्जेक्ट वर्ड को तो तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें एक सिंगल ही वर्ड है जो कि एक नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वो ही है। तो एक वर्ड है। उसके बाद द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, इस सेंटेंस में जो है देयर आर टू वर्ड्स विच आर सब्जेक्ट, द रिच, उसमें से अ रिच जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ इसलिए एग्जांपल्स हैं कि आपको पता चल जाए कि एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं, तो फिर उसमें से कौन सा भी है, दिस इज़ अ प्रोनाउन एंड दिस इज़ वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, एक ही है सिंगल, तो वही इम्पोर्टेंट है, सारी बात है। अब द रिच है, इसमें टू वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में, तो उसमें से रिच जो है वो ज़्यादा अहम होगा, और द जो है वो इसके साथ ही रिलेटेड है, आर्टिकल है। टॉकिंग ओवर मच इज़ अ साइन ऑफ वैनिटी, टॉकिंग ओवर मच। अब इसमें देखें आप, टॉकिंग ओवर मच दिस इज़ द सब्जेक्ट, लेकिन इसमें टॉकिंग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप कहेंगे सब्जेक्ट वर्ड। टू अर इज़ ह्यूमन, टू अर, ये भी आप समझ रहे हैं, इसमें अर जो है गलती करना ये ज़्यादा अहम है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, टू फाइंड फॉल्ट, इसमें से इस ये दो तीनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, फॉल्ट है। तो समटाइम्स सब्जेक्ट इज़ अ सिंगल वर्ड, और समटाइम्स इट इज़ टू वर्ड्स, और मोर देन टू थ्री फोर वर्ड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंप्लीट सब्जेक्ट, इन द कंप्लीट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट वर्ड इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट, कॉल इट्स एनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट एज। अब एक नई चीज़, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेंटेंस किया, फिर आपने सब्जेक्ट किया, फिर आपने प्रेडिकेट किया, और आज आपने सब्जेक्ट वर्ड के बारे में किया। नाउ देयर इज़ अ न्यू थिंग, वॉट इज़ दैट, एनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर जो है वो जो सब्जेक्ट वर्ड होता है, सम टाइम्स उसके साथ जो है सब्जेक्ट वर्ड जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसकी मज़ीद उसकी क्वालिटीज़ बताई जाती हैं, और उसके साथ कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट भी लगा दिया जाता है। एडजेक्टिव इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, आप इसको समझते हैं, इट क्वालिफाइज, ये क्वालिटी बताता है नाउन प्रोनाउन किसी फ्रेज की, या तो लेकिन एडजेक्टिव इक्विवेलेंट क्या होता है, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव इक्विवेलेंट। ये एक वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप भी हो सकता है, जैसे दो या तीन वर्ड्स, और जो है वो क्वालिटी का नाम की या सब्जेक्ट की आप कह लें कि उसकी क्वालिटी को मज़ीद बढ़ाता है, कोई ख़ास बात करता है। तो इनके बारे में अब हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक इट्स एनाफ फॉर टुडे, आप इस ये डेफिनेशंस को और एग्जांपल को गौर से देखिए। दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। अल्लाह हाफिज़।